नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी इक्सी के बारे में। इक्सी यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब इक्सी कब किया जाता है और इक्सी आईवीएफ से कैसे डिफरेंट है। इक्सी यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में हम एक एग को होल्डिंग पिपेट से स्टेबलाइज करके एक स्पर्म को इंजेक्टिंग पिपेट में एस्पिरेट करके और अंडे के अंदर इंजेक्शन की तरह एक इंजेक्ट कर देते हैं और स्पर्म एग के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। यानी कि एक अंडे में एक स्पर्म खुद से चूज कर हम अंडे के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जबकि आईवीएफ में एक अंडे के आसपास कुछ हजार स्पर्म्स हम छोड़ देते हैं और उन हजारों स्पर्म्स में से एक स्पर्म अपने आप एग के अंदर घुसता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आईवीएफ एंड इक्सी। अब इक्सी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? बिकॉज देर आर पेशेंट्स जिनके स्पर्म में, जिनके सीमन में इतने हजार स्पर्म्स भी नहीं होते कि वो एग्स के आसपास छोड़े जाएं और उनमें से एक एग के अंदर एकदम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हुए भी पेनिट्रेट कर सके। या कई बार स्पर्म्स का सर्वाइवल रेट इतना नहीं होता कि वो फर्टिलाइज कर सके एग को। स्पर्म्स बहुत जल्दी जल्दी डेड हो रहे हैं, 18 घंटे भी वो सर्वाइव नहीं करते कि वो एग को फर्टिलाइज कर पाए अगर हम उसे एग के कॉन्टैक्ट में भी रख दे, जैसे कि आईवीएफ में। या तीसरी सिचुएशन, कई बार एग का आउटर शेल इतना हार्ड होता है कि स्पर्म्स पेनिट्रेट नहीं कर पाते। इन तीनों सिनेरियोज में हमें जरूरत पड़ती है इक्सी की। यानी कि स्पर्म काउंट लेस देन 10 मिलियन और 5 मिलियन, जितना कम स्पर्म काउंट है आईवीएफ होना पॉसिबल नहीं है। स्पर्म सर्वाइवल रेट और एनी ऊसाइट फैक्टर जिसकी वजह से स्पर्म एग के अंदर नहीं घुस पा रहा। सो ऐसे केसेस में हमें इक्सी करना पड़ता है। जिनके सीमेन में स्पर्म्स बहुत कम मात्रा, या फिर जहां पे हमें टेस्टिकल्स यानी कि गोलियों में से स्पर्म लेने पड़ रहे हैं, तो भी हमें आईवीएफ नहीं बल्कि इक्सी ही करना पड़ेगा। सो किसी भी आईवीएफ सेंटर में जाने से पहले हमें ये जरूर देख लेना चाहिए कि वहां पर इक्सी, लेजर हैचिंग, इन सब की फैसिलिटी जरूर हो, क्योंकि नहीं तो आपका ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट रह सकता है या डॉक्टर आपको कोई भी एक्सक्यूज दे सकते हैं। सो आई होप मेरी इस वीडियो में आपको जानकारी मिली हो कि आईवीएफ और इक्सी में क्या फर्क है। बाकी मेडिकेशन, ऊसाइट रिट्रीवल, एम्ब्रियो ट्रांसफर बिल्कुल सेम होता है। ओनली द लैब प्रोसेस ऑफ आईवीएफ एंड इक्सी इज डिफरेंट। आई होप मेरी ये जानकारी जो मैं इस वीडियो में दे रही हूँ आप लोगों को यूजफुल साबित होगी और आप लोगों को इन प्रोसीजर्स के बारे में डिटेल्ड जानकारी मिली होगी। थैंक यू।